जय हिंद, वेलकम टू सक्सेस एक जिद। तो देखिए, आज 28 मई 2022 को जो आपका बीआरओ ग्रीष्मी एमएसडब्ल्यू मैथ्स वेटर का एग्ज़ाम था, तो उस एग्ज़ाम का जो आपका रिव्यू है उन कैंडिडेट से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो आपको बताने वाले हैं, और इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए क्या कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आपके रिजल्ट डेट, आपके कट ऑफ, और जो अब आपका आने वाला लास्ट एग्ज़ाम है इस भर्ती का व्हीकल मैकेनिक का, उन यहाँ पर कैंडिडेट को क्या कुछ जानकारी ध्यान में रखनी चाहिए, चलिए सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीआरओ ग्रीफ एमएसडब्ल्यू मैथ्स वेटर का एग्ज़ाम दिया था, और यहाँ पर इनसे जब हमने पूछा कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, तो इन्होंने बताया कि बहुत बढ़िया रहा सर, आपकी कृपा से। कृपा कुछ नहीं होती है, बस आपको पढ़ना होता है, हम आपको पढ़ने के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपके एग्ज़ाम के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होने चाहिए वो इनसे हमने पूछे थे, तो इन्होंने इन सभी पॉइंट का क्या कुछ रिप्लाई दिया है वो देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा, इन सभी पॉइंट्स का जो यहाँ पर इन्होंने रिव्यू दिया है वो ये है कि इनकी जो इंट्री है वो स्टार्ट कितने बजे हुई थी, सुबह के 8 बजे इनकी इंट्री स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पर बात करने पर इन्होंने बताया कि 8 से लेकर 9 बजे तक जो इनकी इंट्री है वो की गई थी, 9 बजे के बाद इनकी जो इंट्री है वो बंद हो चुकी थी। अगर बात करें इनका एग्ज़ाम कब स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर मैथ्स वेटर का 10 बजे से लेकर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, और टोटल 3 घंटे का, यानी कि यहाँ पर आपका 1 बजे जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट किया गया था। तो यहाँ पर फिर से आप सभी देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में चेंज हो चुका है। पेंटर में आपका टाइम कितना मिला था, सेम मिला था 3 घंटे का। ड्राइवर में कितना मिला था, ड्राइवर में 2 घंटे का। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो आपका पेपर वाइज चेंज हो सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर इनके एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन आए हैं वो देखिए 100 क्वेश्चन आए थे, और ये 100 क्वेश्चन देखिएगा आपके, एक तो मैथ्स वेटर के ट्रेड के, सेकेंड आपके जिक के, प्लस में आपके करंट अफेयर, और प्लस में आपका मैथ, इन 4 सेक्शन से जो क्वेश्चन हैं वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि इनके एग्ज़ाम में जो 100 क्वेश्चन आए थे वो 75 क्वेश्चन आए थे विद मैथ। कहने का मतलब ये है कि 75 जो क्वेश्चन हैं वो आपकी ट्रेड से थे, इसके अलावा यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन आपके मैथ के और 10 से 12 क्वेश्चन आपके जीके के आए थे, और यहाँ पर उन्होंने बताया था कि जीके में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के थे, और यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके के थे। जीके में जो क्वेश्चन आए थे बिल्कुल नॉर्मल थे। इन्होंने बताया कि यहाँ पर आपके जो स्टेट है उन स्टेट में, किस ज़िले में, किस स्टेट में कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ओके, इसके अलावा जो यहाँ पर आपका मैथ का सेक्शन आया था, तो मैथ में इन्होंने बताया कि बिल्कुल आपका बेसिक मैथ पूछा गया था, लगभग इन्होंने 3 क्वेश्चन बताए थे प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे, इसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चन आपके मैन्युफैक्चरिंग से आए थे, यानी कि बेसिक जो आपका अर्थमेटिक है वो आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर इनके एग्जाम में भी कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई थी। यहाँ पर जो इन्होंने अटेंडेंस बताई है, तो देखिए यहाँ पर 85% के आसपास इन्होंने एग्जाम में अटेंडेंस बताई है, और जो नोट्स हमने इनको प्रोवाइड करवाए थे, तो देखिए इन्होंने बताया था कि यहाँ पर 90% जो हेल्प है इनको मिली है हमारे नोट्स से, ज़्यादा हेल्प आपके MCQ जो क्वेश्चन है उनसे मिली थी वो बेस्ट थे, और जो थ्योरी इनको प्रोवाइड हमने कराई थी वो भी बेस्ट थी। और ये चीज़ आपको हम बार बार रिपीट करके बताते हैं कि जितना भी कंटेंट आपको देंगे वो सबसे बेस्ट होगा एग्जाम में, वहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। बस यहाँ पर आपको एक गारंटी लेनी होगी उन सभी नोट्स को अच्छे से तैयार करने की। ओके, तो इन सभी के अलावा यहाँ पर कुछ और जो कैंडिडेट हैं, चलिए उनका रिव्यू आपको दिखा देते हैं।
तो देखिएगा, ये कुछ आपके और कैंडिडेट हैं जिनसे हमने रिव्यू मांगा था, तो इन्होंने भी सेम बताया है कि इनका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा गया था। एंट्री टाइम के बारे में, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम ड्यूरेशन के बारे में, क्वेश्चन के बारे में इन्होंने सेम चीज़ बताई है। और यहाँ पर देखिए, इन्होंने चीज़ ये कही है कि इनको जो नोट से हेल्प मिली है वो 100 में से 85 से 86 क्वेश्चन मिली है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जो नोट्स हैं वो आपको हम 100% प्रोवाइड कराते हैं। अब उन नोट्स को आप लोग कितना तैयार करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कैंडिडेट हैं इन्होंने जो आपकी अलग से एक्स्ट्रा जानकारी बताई है, तो यहाँ पर सेंटर में आपको ये चीज़ बताई गई कि जिस प्रकार से आपको ड्राइवर में हमने बताया था ना, उसी तरीके से जो आपका मैथ्स वेटर का रिजल्ट है वो भी आपका 12 जून से पहले पहले आउट कर दिया जाएगा। जो भी यहाँ पर आपके पेंटर वाले कैंडिडेट हैं, ड्राइवर के कैंडिडेट हैं या फिर आपके इस पोस्ट मैथ्स वेटर के कैंडिडेट हैं, आप सभी का जो रिजल्ट है वो आपका 12 जून जिस तारीख को व्हीकल मैकेनिक का एग्जाम है उस तारीख से पहले पहले यहाँ पर आपका रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा दिन आपको जो है वेट नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब जिनका एग्जाम है वो है आपका व्हीकल मैकेनिक का 12 जून 2022 को। तो यहाँ पर आप सभी का जो एग्ज़ाम है, याद रखिएगा कि वो टोटल आपका 3 लीजेंड में होने वाला है, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो प्लेस है, आपके एग्ज़ाम सिटी सेम रहेगी, वो है आपका पुणे। ओके, तो यहाँ पर यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो जितने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाने हैं, वो एक आपका एडमिट कार्ड जो घर पर आने वाला है, और सेकेंड यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है वो आपको लेकर जाना है। इन सभी के अलावा जो यहाँ पर आपका पेन वगैरह है वो भी आप लोग साथ में लेकर जा सकते हैं। इस चीज़ के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको जो मटेरियल एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए जो है आपका अलाउड नहीं किया जाएगा। तो देखिएगा, यदि आप यहाँ पर बीआरओ ग्रुप में जो व्हीकल मैकेनिक का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अगर उसकी तैयारी आप लोग करना चाहते हैं तो स्पेशल नोट्स या फिर स्पेशल बैच आपके लिए अवेलेबल हैं, जो कि सबसे बेस्ट होंगे, ये आपसे हमारा वादा है। अगर उन नोट्स को आप अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, पूरे विश्वास के साथ, पूरे गारंटी के साथ आपको कहते हैं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 89306385526, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो भी आपके नोट्स के बेस की जानकारी है वो आप लोग ले सकते हैं। तो जानकारी कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर व्हीकल मैकेनिक वाले जो कैंडिडेट हैं, इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी लगभग आपका सेम रहेगा। जिस तरीके से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ड्राइवर, वेटर, पेंटर के एग्जाम में आए हैं, सेम उसी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जितने ज़्यादा हो सके अपना रिविज़न कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, वही आपका सिलेक्शन दिला सकता है। तो आगे हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।